चंद गिरफ्तारियों के बाद और पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एके जैन साहब हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने वाली कमेटी को लीड कर रहे थे वो। सर अब कई बातें कही जा रही हैं कि परेशान किया जा रहा है मुस्लिमों को, सर ये राजनीतिक डिबेट हो सकती है, लेकिन एक पूर्व डीजीपी के तौर पर जब आप इतने क्लोजली चीजों को फॉलो कर रहे थे, आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या परखा? देखिए ये सब भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देश का मुसलमान जो अमन पसंद मुसलमान है वो भी इस बात को जानता है कि किस प्रकार की गतिविधियों में पीएफआई और इसके जो और विंग्स थे वो इन्वॉल्व थे। बिहार में कितनी जगहों पर, केरला में किस किस प्रकार से इन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है, यूथ को रेडिकलाइज कर रहे थे, बाहर से फंडिंग मंगाकर उनको जो है विध्वंसक गतिविधियों में, ट्रेनिंग कैंप्स में लगा रहे थे, परेड्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये सब चीजें जो है किसी से छुपी हुई नहीं है, बहुत सही कदम लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरसी के जो रायट्स थे लखनऊ के और अन्य जगहों के, उसके बाद ही रिकमेंड कर दिया था पूरी तफ्तीश करके, जांच करके कि पीएफआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कड़ी कार्रवाई जो की गई है इसका स्वागत किया जा रहा है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। और अभी ये प्रेशर ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के ऊपर बनाया जाना चाहिए जो कि देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, देश में विध्वंसक कार्रवाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, यूथ को हमारे रेडिकलाइज कर रहे हैं। ये बड़े गलत रास्ते पे थे और सही कार्रवाई की गई है, और अभी क्रैकडाउन लंबे समय तक इनके खिलाफ चलाना होगा।